डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत है। मैं गोवा के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, अब दूसरे में गोवा के लोग बड़े फन लविंग हैं। यहाँ पे वो पार्टियाँ करते हैं और बढ़िया सी फूड खाते हैं। यहाँ पे जितने भी समुद्र के किनारे शैक्स कहते हैं उसको, वहाँ पे बेहतरीन मछली और दूसरे जितने भी समुंदर के सी फूड को बहुत ही टेस्टी रूप में बनाकर वो खाते हैं। और साथ ही संगीत के बड़े प्रेमी हैं। इन पे पुर्तगाल के लोगों का काफ़ी उनकी कला का और उनके कल्चर का बहुत असर रहा है। और आज भी यहाँ पे काफ़ी लोग पुर्तगीज़ बोलते हैं। और एक और बात जो कमाल की है कि पुर्तगाल के लोगों के प्रति इनके मन में कोई घृणा नहीं है। पुर्तगीज़ जो थे वो इन पे शुरू शुरू में भले ही उन्होंने अत्याचार किए हो, जब वो कन्वर्शन कर रहे थे, इनको क्रिश्चियन बना रहे थे, पर बाद में वो इनके दोस्त बन गए थे। और एक और अच्छी बात जो मुझे यहाँ के लोकल गोंस ने बताई कि पुर्तगीज़ बड़े ऑनेस्ट होते थे और अपराइट होते थे, और वो जबान के बड़े पक्के होते थे। फन लविंग वो आज भी हैं। अगर आप पुर्तगाल जाते हैं तो वहाँ पे आज भी पुर्तगाल के लोग बड़ी मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं। वही कल्चर गोवा के लोगों ने अपनाया। गोवा में एक और ख़ास बात यह है कि हरियाली बहुत है यहाँ, और छोटे छोटे गांव हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली रोड्स ठीक नहीं हैं। और हालांकि ये टूरिस्ट इलाका है, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते भी हैं, पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ गांव के अंदर नहीं है। बेसिक जो है, चर्चेज यहाँ बहुत पुराने पुराने हैं। और उसके अलावा जो एक सबसे बेहतरीन बात है कि यहाँ के लोग बड़े कॉस्मोपॉलिटियन हैं और फैनेटिक नहीं हैं। दे आर सिक्युलर बाई नेचर, एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसी तरह से इंजॉय करते हैं।